मैं ये सारे इलाके में फिर रहा था, एक किताब लिख रहा था सारे कबायली इलाकों के ऊपर, तो मैं पहली दफ़ा बाजौर तब आया था। मैं जिस तरह महमूद खान ने कहा, शायद ही कोई पाकिस्तान का पॉलिटिशन कबायली इलाके को मेरे से बेहतर समझता है, क्योंकि मैं सारा कबायली इलाके में फिरा हूँ और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जब कबायली इलाका ज़म हो गया पख्तूनख्वा में, और मुझे पता है कि कबायली इलाके के लोगों को किन चीज़ के ख़दशात थे अगर जब ये ज़म होना था, और मुझे ये भी पता है कि अगर ये ज़म ना होता तो कबायली इलाके के लोगों ने कैसे ज़िंदगी की रेस में पीछे रह जाना था, और पीछे रह गए हैं। और ज़्यादातर यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है नौकरियाँ लेने के लिए, रोज़गार के लिए, इनको उन इलाकों में जाना पड़ता है दुनिया में, दुबई में, सऊदी अरेबिया, कराची। और उससे भी मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ कि कितना मुश्किल माओं के लिए, बीवियों के लिए, बच्चों के लिए होता है जब उनका कमाने वाला और किसी शहर में काम करता है या किसी मुल्क में काम करता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि जब ये पहला कदम लेना था, इस कबायली इलाके को ज़म होना पख्तूनख्वा के साथ, इससे अब ये भी जो कनेक्टिविटी है, यानी कि जो सड़कें बनेंगी आपका मुकम्मल तौर पे, आपकी जो पहले तो किसी को पता ही नहीं था कबायली इलाके का, अब आपका कबायली इलाके का और पख्तूनख्वा के इलाकों का और पाकिस्तान के बाकी इलाकों का अब इसका सारा कनेक्शन हो जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपके लिए तजारत में भी आसानी हो जाएगी, ये सड़क है, इससे तजारत में आसानी हो जाएगी, लोगों को यहाँ आना होगा, यानी अगर किसी ने यहाँ के कुछ कारखाना लगाना हो तो वो तो पहले तो बड़ा मुश्किल था यहाँ पहुँचना, तो ये अब सब आसानियाँ होती जाएंगी कनेक्शन से। लेकिन जो असल बात महमूद खान ने की कि हमने इन इलाकों के अंदर तालीम को आम करना है, और तालीम भी जिससे लोगों को नौकरियाँ मिलें, हुनर सीखें लोग। ये ज़रूरी इसलिए है कि आज तक कोई माशरा दुनिया में तालीम के बगैर तरक्की नहीं किया, और कबायली इलाका तालीम में सबसे पीछे रह गया था। आप 70 साल में देख लें कि कबायली इलाके से लोग, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी थी तो या वो पशावर जाते थे या फिर वो और शहरों में जाते थे, यहाँ वो नहीं कर सकते थे। अब हमारी कोशिश ये होगी कि कबायली इलाकों को डेवलप करें ताकि यहीं आपको रोज़गार भी मिले, तालीम भी मिले, यहाँ कारखाने लगें, डेवलपमेंट यहाँ हो। और जो एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि अफगानिस्तान में अब जो बातचीत चल रही है तालिबान की और अफगान गवर्नमेंट की, और एक अमन की तरफ वो मुल्क जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बाजौर और बाकी कबायली इलाके के इलाकों में इसलिए होगा क्योंकि आपके कनेक्शन है, आप तजारत बढ़ जाएगी, आसान होगा यहाँ से सेंट्रल एशिया जाना, बल्कि ये आपके इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, जबकि यहाँ आपका कनेक्शन अफगानिस्तान और उससे आगे सेंट्रल एशिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग पुराने सदियों से तजारत तो करते थे, तो अब वो आपके लिए आसानियाँ होती जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो हमने कबायली इलाके में फ़ैसला किया कि हम सबको यहाँ हेल्थ कार्ड देंगे। हेल्थ कार्ड इसलिए ज़रूरी है, मुझे पता है कि जब लोगों को कोई भी बीमारी होती है तो आगे लोगों का आम लोगों के लिए आगे उनके पास मुश्किल से गुजारा होता है अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, तो जब बीमारी होती है तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब इंशाल्लाह सारे कबायली इलाकों के लोगों के लिए वो हेल्थ कार्ड होगा। हेल्थ कार्ड का मतलब कि 7.5 लाख रुपया एक साल एक ख़ानदान कहीं भी जाके इलाज करवा सकता है उसकी वजह से। और ये मैं समझता हूँ महमूद खान, आपने जो फ़ैसला किया, आपकी और आपकी काबीना ने, कि सारे पख्तूनख्वा के लोगों को आप हेल्थ कार्ड पहुँचाएँगे, ये आप ये समझें कि हमें तो छोड़ें, हमारे तो अभी हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है एक मुल्क मिला हमें बिल्कुल मकरूज़, जो यहाँ पहले हुक्मरान थे, उन्होंने मुल्क लूट के तो सारे, अब लंदन में उन्होंने बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, तो वो मुश्किल छोड़ के गए यहाँ। उसके बावजूद अगर हम, ये पख्तूनख्वा सबसे पहला सूबा होगा जो कि सबको हेल्थ इंश्योरेंस देगा। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी ये नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस सारे शहरियों के लिए। अमेरिका जैसी जगह में नहीं है, थोड़े से मुल्क हैं यूरोप के अंदर मुल्क जो इस तरह अपने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इसकी सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है कि ये जो हम एक दिन ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत के उसूलों पर एक अजीम कौम बनाएंगे, मदीना की रियासत के अंदर सबसे बड़ी चीज़ एक फलाई रियासत थी। सबसे बड़ा रियासत ने जोर दिया अपने कमज़ोर तबके की मदद करना, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना। तो ये बहुत बड़ा पहला कदम है। और दूसरा तालीम सबको देना, फिर हुनर, स्किल एजुकेशन जिसे कहते हैं, नौकरियाँ, आपकी ये जो बॉर्डर मार्केट्स, यानी बॉर्डर के ऊपर आप मार्केट्स बना रहे हैं। और ये सारे जिधर जिधर भी आपकी अफगानिस्तान से बॉर्डर होगा वह मार्केट्स बनेंगी, ताकि उधर वो पूरा का पूरा तजारत का आपको मौका मिले। और स्मगलिंग नहीं, तजारत। और इंशाअल्लाह जो मेरी ये उम्मीद है कि ये जो सारा कबायली इलाका है, ये दुनिया तो छोड़ें, पाकिस्तान के लोगों ने नहीं अपना कबायली इलाका देखा। मैं जब लोगों को पहली दफ़ा यहाँ 28 साल पहले जब आया था, तो लोगों को किसी को यकीन नहीं आता था कि मैं कबायली इलाका जाके और ज़िंदा बच के वापस आ गया। तो अब वो लोग ख़ुद देख सकेंगे कबायली इलाके को। और इसलिए इसमें बड़े बड़े पुरानी जगह हैं और इसमें बड़े बड़े ख़ूबसूरत इलाके हैं, और वो भी डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह टूरिज़म के लिए। ये सड़कें जो आपकी बन रही हैं तजारत के लिए भी फ़ायदा पहुँचाएँगी, टूरिज़म के लिए भी आपको फ़ायदा होगा। इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर जो सबसे ज़्यादा, हमने जब सर्वे की कि 2013 से हमारी जब गवर्नमेंट आई 2018 तक, तो सारे पाकिस्तान में जो गुर्बत सबसे तेज़ी से कम हुई वो पख्तूनख्वा में हुई थी 2013 और 2018 के बीच में। तो जब हमने उसकी भी फिर सर्वे की तो पता चला कि जो एक सबसे बड़ी वजह गुर्बत कम होने की थी वो टूरिज़म थी। पख्तूनख्वा में टूरिज़म कई गुना ज़्यादा बढ़ी है उन 5 सालों के अंदर, और आखिरी 2-3 साल में ख़ास तौर पे। तो जब टूरिज़म होती है तजारत बढ़ जाती है, पैसा आता है इलाकों में, रोज़गार लोगों को मिलता है। और ये जो आज सड़क की हम आज इफ्तिताह कर रहे हैं, इससे इंशाअल्लाह तजारत भी और टूरिज़म भी बढ़ेगी। मैं आखिर में UAE का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शेख मोहम्मद का। उन्होंने जो ममन से बाजौर तक सड़क उन्होंने UAE की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की हुई है, तो मैं आज उनका भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।